कसरावत नगर में सोमवार को राठौर धर्मशाला में राठौर समाज द्वारा राठौर समाज के वशवंश वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती समाजजनों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के पूर्व कसरावत नगर में समाजजनों द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों से हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली गई। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। साथ ही मंचासीन अतिथियों द्वारा वीर दुर्गादास राठौर के चित्र पर माला अर्पण किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी समाज के बच्चों द्वारा की गई। मंचासीन मुख्य अतिथि का पुष्पहार से स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा राठौर धर्मशाला में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभावना बच्चों को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राठौर समाज के गौरव मयूर पिता सूरजमल राठौर पिपलोन काशी फाउंडेशन में संपूर्ण देश में 17वां स्थान प्राप्त करने पर उससे प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की बिटिया हर्षिता राठौर जो की मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 100वीं रैंक में चयन हुआ है, जिनका भी समाज द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वही कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र राठौर द्वारा किया गया। आज हमारे वीर शिरोमणि श्री दुर्गादास जी राठौर की 385वीं जयंती के अवसर पर हमारे समाज के गौरव हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा और इसमें हमने हमारे समाज के बच्चों को भी प्रतिभाशाली बच्चों को उभारने की कोशिश की है, ताकि समाज उन्हीं से मतलब कि बनता है, प्रतिभाशाली बच्चों से ही बनता है कि ताकि आगे राष्ट्र और समाज अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा में हमारी समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और कई तरह के कार्यक्रम भी करते रहना चाहिए, जैसे राजनीति दल करते हैं, समाज सेवा अग्रणी है आज के समय में है। इसी तरह से हम लोगों ने भी ये वीर दुर्गादास जी राठौर का जन्मदिन हर्ष उल्लास के साथ मनाया और हम सभी से, सभी समाज जन से, वर्ग से और देश के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें, सब सम्मान करते रहें प्रतिभाशाली युवाओं का, बच्चों का जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। मेरा नाम हुकुमचंद राठौर, मैं कसरा निर्माण समिति अध्यक्ष। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।